व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह अपने आधार कार्ड को चेक कर सकते हैं कि आपके आईडी के ऊपर कितनी जो सिम कार्ड है वो एक्टिवेट है। और क्या है कि ये किस लिए ज़रूरी है कि आप लोगों को ये जानना पड़ेगा कि आप लोगों की आईडी पर कितने सिम कार्ड अवेलेबल है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब है वो बहुत आपके आधार कार्ड के ऊपर बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। जैसे कि हम अपने आधार कार्ड की कॉपी बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट, प्राइवेट डिपार्टमेंट में दे देते हैं और उनका जो गलत इस्तेमाल, मिसयूज भी हो जाता है। तो उसी को देखने के लिए हम इसको चेक करेंगे कि आप लोगों की जो आधार कार्ड है उस पर आपकी जो सिम वगैरह है वो कितनी एक्टिवेटेड है, और जो भी सिम वगैरह आपके एक्टिवेटेड ना हो उसको आप किस तरह रिमूव करेंगे, वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर कम्प्लीटली बताऊँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को अपने एक ब्राउजर के अंदर ये वेबसाइट को सर्च कर लेना है। आप लोगों को सिंपल सा लिखना है टैफकोप पोर्टल, जो कि हमारे सामने ये आ गया है। टैफकोप पोर्टल लिख के जब आप सर्च करोगे तो आपके सामने फर्स्ट नंबर पे जो वेबसाइट आएगी digitelecom.government.in, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आप लोगों को मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये जो इनकी फैसिलिटी है यह ओनली आंध्र प्रदेश, केरला, राजस्थान, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जो चंडीगढ़, लक्षद्वीप एंड पांडुचेरी के जो कंज्यूमर्स हैं उन्हीं के लिए ही अवेलेबल है। तो अगर आप लोग अदर कोई भी स्टेट से हैं तो ये जो फैसिलिटी है वो आप लोगों के लिए नहीं है। तो मैं भी अभी हरियाणा से बिलोंग करता हूँ तो हरियाणा के लिए ये नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को एज ए एग्जाम्पल करके ज़रूर दिखाऊँगा। तो सिंपल सा आप लोगों को यहाँ पे अपना जो भी मोबाइल नंबर है वो आप लोगों को यहाँ पे फिल कर लेना है। फिल करने के बाद सिंपल सा आप लोगों को रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करना है। रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन के ऊपर एक ओटीपी आएगा, उसको आप लोगों को इसमें फिल कर लेना है। फिर उसके बाद जब आपको ओटीपी आ जाएगा तो ओटीपी को फिल करके वैलिडेट पे आपको क्लिक करना है। जब आप वैलिडेट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऐसा आ जाएगा लिस्ट ऑफ मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड ऑन योर आईडी। अब मेरा जो मोबाइल नंबर है उस पर एक ही जो नंबर है वो शो कर रहा है। हो सकता है कि ये जो भी दिखा रहा है वो गलत दिखा रहा हो, क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और हरियाणा के लिए जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल नहीं है। अगर आप लोग भी ऐसे जो भी इसमें शो किया हुआ है जहाँ जहाँ पर वो फैसिलिटी अवेलेबल है, उसके अलावा अगर आप लोग किसी और अदर स्टेट से हैं तो अगर आप लोग सर्च करोगे इसमें जाके तो आप लोगों को ये दिखाने वाला नहीं है। दिखाएगा लेकिन अच्छे से नहीं दिखाएगा। जैसे इसमें मेरे को दिखा रहा है ओनली एक ही सिम एक्टिवेट है, जबकि मेरा एक आधार कार्ड पर 3 सिम एक्टिवेट है और ये हमें एक ही शो कर रहा है। तो बस मैं आप लोगों को ये एग्जांपल देता हूँ। अगर आप लोग उसी राजस्थान वगैरह से हो, जो भी मैंने बताया था, चंडीगढ़ वगैरह से कहीं से भी हो, तो आप लोग ऐसे करके आप अपने नंबर को चेक कर सकते हो और जल्द ये जो इनकी लिमिटेशन है जो स्टेट वगैरह की वो बढ़ा दी जाएगी, सभी स्टेट के अंदर इनको वैलिडेट कर दिया जाएगा। तो सिंपल सा अगर आप लोगों का यहाँ पे 3-4 नंबर दिखा रहे हो और जिसमें से आप लोगों को लगे कि ये जो नंबर है ये मेरा नहीं है, या फिर आप लोगों ने कभी एक्टिवेट ही नहीं करवाया, कभी आप लोगों ने सिम ही नहीं ली, तो सिंपल सा आप लोगों को उसको सेलेक्ट करना है। और या फिर सेलेक्ट ना करो तो सिंपल सा जैसे आप लोगों को ये ऐसे करके बॉक्स मिलेगा, एक ऐसे बॉक्स, एक यहाँ बॉक्स, एक यहाँ, एक यहाँ, तो आप लोगों को सिंपल सा अगर आप लोगों का जैसे ये नंबर है या आप लोगों का नहीं है तो आप लोगों को यहाँ पे दिस इज़ नॉट माई नंबर पर क्लिक करके और फिर रिपोर्ट कर देनी है। रिपोर्ट कर दोगे तो आपकी जो ये नंबर है वो आगे इनके जो ब्लैक लिस्ट के अंदर चला जाएगा और ऑटोमेटिकली वो आपसे कोई इंक्वायरी वगैरह पूछेंगे और आप लोगों को उसका आंसर देना है और आपकी जो आईडी है उसके ऊपर से आपका जो ये नंबर है वो हट जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे अपनी जो भी आप लोगों की आईडी है उस पर जो भी फेक नंबर एक्टिवेटेड है उसको आप रिपोर्ट करवा सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के अंदर इसको शेयर कर देना। हम मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो के किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं, जो खुद न बने वो कोई भी नसीब नहीं, मिलेगी मंजिल चाहे करीब नहीं, मैं हूँ दिल का अमीर भाई गरीब नहीं।